नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज आईटीआई फर्स्ट ईयर आल ट्रेड का इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर बताएंगे, यानी आज तीनों पारियों में कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। साथ दोस्तों इन पेपरों की पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, जहाँ पर हज़ारों बच्चे जुड़े हुए हैं, जहाँ पर रोज़ काफ़ी बच्चे एग्जाम लेके आते हैं, फिर आपस में क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप पर काफ़ी मटेरियल उपलब्ध है, तो वहाँ से आप अच्छे से हर किसी भी ट्रेड की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। साथ दोस्तों अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करें, तब बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ज़्यादा वक्त खराब न करें, स्टार्ट करें। और आपका पहला क्वेश्चन आज क्या पूछा गया था, तो क्वेश्चन है दोस्तों आपका तीर का निशान क्या दर्शाता है, यानी कुल मिला के आपका ये चित्र है जो किसका है, ड्राइंग बोर्ड का है, और आपका जो इस ड्राइंग बोर्ड की ये इधर वाली ये भाग है अक्ष वाला, तो ये अक्ष वाला भाग यानी तीर का निशान क्या दर्शा रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन देखो क्या दर्शाएगा बताओ, यह है बेटन, स्ट्रिप्स, एबोनी एज या होल्डर। तो बताओ दोस्तों क्या कहलाएगा, तो दोस्तों ये कहलाता आपका एबोनी एज, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों आपका कौन सा उपकरण कोण मापने में प्रयुक्त होता है, यानी आपका डायग्राम में ये चित्र दर्शाएगा, ये क्या आपको सभी को पता है, चांदा, चांदा यानी आपका प्रोटेक्टर, तो प्रोटेक्टर, तो इसका कोण मापने में बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो सभी को पता है चांदे का उपयोग करते हैं। अब आपको इसमें यह भी ध्यान रखना है कि चांदे का आकार कैसा होता है, तो ये वर्ताकार व अर्धवर्ताकार आकृति में होता है, तथा आपको पूछे कि चांदा किसका बना होता है, तो सभी को पता है चांदा होता है जो आपका पारदर्शी प्लास्टिक सेलुलाइट का बना होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन आज अगला पूछा गया था, दिए गए ऑब्जेक्ट का नाम बताइए, तो दोस्तों आपको चित्र में जो चित्र दर्शाया गया है ऑब्जेक्ट में इसका नाम क्या है, तो ऑप्शन दे रखा है वर्थ, दीर्घवर्थ, प्रिज्म व पिरामिड, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा दीर्घवर्थ, यानी इसको बोलते हैं इलिप्स, यानी कुल मिला के वर्थ के अंदर हम दीर्घवर्थ बनाते हैं, ये हो गया इलिप्स। पहले जो आपकी लिखित एग्जाम थी उसमें आपको ये बनवाना पड़ता था अलग से, तो अगर आपको वर्थ पूछे तो वर्थ इस प्रकार वर्ताकार आकृति आएगी, इलिप्स पूछे तो इस वर्थ के अंदर इस प्रकार की अंडाकार आकृति बनाती है जो आपका डायग्राम अंडाकार आकृति में, प्रिज्म और पिरामिड। अब दोस्तों प्रिज्म और पिरामिड क्या होता है, दोस्तों ध्यान रखना अगर आपको एग्जाम में प्रिज्म पूछ ले तो ध्यान रखना प्रिज्म में क्या होता है, धरातल और शीर्षक समान होते हैं, जैसे माना कि यह आपका क्या है, वर्ग है, तो अब इसका ये आपका धरातल है तो ये भी क्या रहेगा, सेम, यानी ये इससे मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा, पीछे वाला इससे, यानी इस प्रकार जिसका शीर्षक व धरातल समान हो वो क्या होता है आपका प्रिज्म। अगर पिरामिड पूछे तो पिरामिड में क्या होगा, यानी नाम के अनुरूप उसका धरातल होगा, जैसे आपको पूछे कि आप वर्थ का पिरामिड बनाओ तो पहले आपको वर्थ की आकृति बनानी पड़ेगी, फिर पिरामिड पूजा तो शंकु की आकृति ऊपर बनानी पड़ेगी, यानी इस प्रकार की आकृति आपको शंकु की, शंकु वाली आकृति आपको ऊपर बनानी पड़ेगी इस प्रकार, तो ये हो गया आपका पिरामिड। तो आपका इसका राइट आंसर क्या आएगा, बी, यानी दीर्घवृत्त यानी इलिप्स डायग्राम है जो किसका है, इलिप्स यानी दीर्घवृत्त का है। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, फिगर में दिए गए ऑब्जेक्ट का नाम बताइए, यानी डायग्राम में आपका जो ये दिया गया है इसका क्या नाम है, तो सभी को पता है आपका जो डायग्राम में ये दे रखा है इधर, तो ये क्या है वर्थ का क्या है, पिरामिड, तो इसमें ये क्या आ गया, इसका एलिवेशन आ गया, नीचे वाला क्या आ गया, इसका प्लान, तो मेरे हिसाब से ये आपको अच्छे भी से दिख रहा होगा कि ये आपका वर्थ का क्या आ गया, पिरामिड आ गया, जिसका ये एलिवेशन व्यू यानी फ्रंट व्यू आ गया, ये प्लान व्यू आ गया, तो इसमें आपको ये पूछा कि ऑब्जेक्ट में क्या क्या दे रहा है, तो बताओ त्रिभुज है, स्पेयर है, शंकु है या बेलन है, तो आपके जो त्रिभुज का ये क्या दिखाया दर्शाया गया है, त्रिभुज का पिरामिड, तो पिरामिड को क्या बोलते हैं, शंकु। ठीक है, अगर आपका त्रिभुज अलग से पूछा तो त्रिभुज का इस प्रकार रहा था, ठीक है, और आपका शंकु, शंकु यानी क्या हो गया, आपका जो शंकु की आकृति का हो गया वो हो गया, ठीक है, कोणिकल आकृति का, यानी वर्थ है लेकिन इसमें क्या गया, कोण की तरह आकृति, कोण को ही क्या बोलते हैं, शंकु। अगर आपका बेलन पूछता तो बेलन में क्या होता है, दो दीर्घवर्त बनते इस प्रकार और फिर इनको आपस में मिल जाते, तो ये हो जाता आपका क्या, बेलन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन तीन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है वह पेंसिल है जिसमें मुक्त हस्त चित्रण किया जाता है,
तो बताओ दोस्तों कौन सी पेंसिल है जिसके द्वारा मुक्त हस्त रेखा चित्रण किया जाता है, यानी फ्री हैंड स्केच करेंगे, तो वो दोस्तों होती है आपकी HB पेंसिल, यानी मध्यम ग्रेड की पेंसिल। और आप सभी को पता है ये हार्ड ग्रेड में आती है, ये मुलायम ग्रेड में आती है, ये भी हार्ड ग्रेड में आती है। तो बच कौन सी रही है, ये बच रही है। मैंने मेरे हिसाब से पिछले वाले टॉपिक में आपको पेंसिल अच्छे से क्लियर कराया था, तो वहाँ से अच्छे से पेंसिल को क्लियर कर लेना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ड्राइंग के उप शीर्षक के लिए मिमी में आकार ऊंचाई क्या है। मिमी यानी क्या होती है, मिलीमीटर, तो मिलीमीटर में इसकी आकार ऊंचाई क्या होती है दोस्तों, वो होती है आपकी 3 से 5 मिलीमीटर इसके आकार में व्यक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शीर्षक ब्लॉक के लिए कौन सा स्थान प्रदान किया जाता है। तो बताओ दोस्तों शीर्षक ब्लॉक के लिए कौन सा स्थान प्रदान किया जाता है, तो दोस्तों वो नीचे दिए, हाँ नीचे दाएं हाथ पर, तो नीचे दाएं हाथ पर हमेशा शीर्षक ब्लॉक बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ड्राइंग शीट निर्दिष्ट किया जाता है। तो बताओ दोस्तों ड्राइंग शीट कैसे निर्दिष्ट किया जाता है, तो दोस्तों शीट की संख्या के आधार पर निर्दिष्ट किया जाता है। अब मैंने लंबाई व चौड़ाई का तो माना कि ड्राइंग शीट की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात आपको मुझे, तो 1:√2 आता सही है। सीट का क्षेत्रफल कभी नहीं होता है, भार नहीं होता है, सीट की संख्या होती है। तो सीट की संख्या कैसे कि A0, A1, A2, A3, A4, ठीक है, ये माप होते हैं। और सभी को मैंने आपको बताया था कि A0 की 841×1189 होती है। अब इसमें क्या होता है, जैसे इसकी संख्या इधर आधी आ जाएगी, फिर 841 यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ पर इसकी आधी इस प्रकार आ जाएगी। यानी पिछले क्लास में अगर आपने नहीं देखा तो पिछले क्लास ज़रूर देखना, वहाँ पर काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। तो दोस्तों ये था आज का पेपर, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।